टू का जो पैटर्न है वो मैच करे वो हर एक मूवमेंट के साथ। ठीक है, तो लैटरल बेंडिंग करेंगे राइट साइड, इनहेल करते हुए स्लोली इनहेल करेंगे, वापस आएंगे एक्सहेल करते हुए, लेफ्ट साइड जाएंगे इनहेल करते हुए ऐसे स्लोली, सांसों को रोकेंगे नहीं, एक्सहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। अगेन थ्री टाइम्स करेंगे राइट, स्लो हो जाएंगे स्लो। कोशिश करें आपका जो कान है वो टच हो जाए शोल्डर से, लेफ्ट वापस इनहेल करते हुए जाएंगे, एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे, इनहेल एक्सहेल, डीप इनहेल करेंगे सांसों को धीरे धीरे, एक्सहेल वापस आ जाएंगे, इनहेल करेंगे डीप, फिर से शोल्डर बैक रखेंगे, कोशिश करें बच्चे शोल्डर आगे की तरफ झुकाएं नहीं, शोल्डर जितना बैक रखें पोस्चर सुधरेगा। नेक्स्ट मूवमेंट करेंगे राइट टू लेफ्ट, इनहेल करते हुए राइट जाएंगे, कोशिश करें अपनी स्पाइन को देखने की, लेफ्ट वापस इनहेल करते हुए राइट, अगेन लेफ्ट वापस, तो डीप इनहेल करेंगे वन टाइम डीप स्लोली, फेस काम रखिए, फेस पे किसी तरह का स्ट्रेस मत रखिए बच्चे, एक्सहेल इनहेल एक्सहेल। नेक्स्ट मूवमेंट करेंगे राइट शोल्डर पे अपने, कोशिश करें कि ईयर टच हो जाए और स्लोली बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे, सांसों की गति नॉर्मल रहेगी, इनहेल एक्सहेल प्रॉपर करते रहेंगे, स्लो जितना कोशिश करें स्लो करें, और ऊपर आईज ओपन रहेगी, ऊपर देखेंगे लेफ्ट राइट लेफ्ट, स्लो करेंगे फास्ट नहीं, पीछे पूरा फोर्स करें अपने नेक को पूरा बेनिफिट लेने के लिए, वापस आ जाएंगे डीप इनहेल करेंगे फिर से स्लो, एक्सहेल इनहेल एक्सहेल। नेक्स्ट मूवमेंट करेंगे शोल्डर का, सबसे पहले अपने हाथों को सामने लाएंगे ऊपर करेंगे और अपने शोल्डर पे रख लेंगे और आर्म क्रॉस ओवर करेंगे, पीछे ले जाएंगे तो कोशिश करें कि हाथ दोनों टच हो आगे पीछे की तरफ, और आगे जब मूवमेंट करें तो कोशिश करें एल्बो दोनों टच हो, और पूरा सर्कमडक्शन करेंगे, सांसों की गति नॉर्मल रहेगी, फाइव टाइम्स करेंगे फॉरवर्ड, थ्री फोर फाइव, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे फाइव टाइम्स, वन, जिनका भी स्टिफ शोल्डर है और शोल्डर जॉइंट्स में मोबिलिटी और शोल्डर स्ट्रेंथ और नेक मसल्स में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए बेस्ट, फोर एंड फाइव, वेस्ट पे हाथ रखेंगे, ओके सर। नेक्स्ट मूवमेंट करेंगे, सबसे पहले अपने हाथों को सामने लाएंगे और राइट साइड इनहेल करते हुए जाएंगे, वापस आएंगे एक्सहेल करते हुए, लेफ्ट साइड जाएंगे इनहेल करते हुए, वापस आएंगे, कमर पे हाथ रखेंगे और डीप इनहेल करेंगे, और शोल्डर मूवमेंट कर लीजिए थोड़ा और अपने नीज को एक्टिवेट कर लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए मैट पे, नेक्स्ट फर्स्ट आसन करेंगे चेयर सिटिंग पोज, जिन्हें नीज में और हिप जॉइंट में प्रॉब्लम हो वो ना करें,
सबसे पहले अपने हाथों को सामने लाएंगे और अपने पाम को ग्राउंड की तरफ फेस करेंगे और इनहेल करते हुए नीचे जाएंगे। सांसों की गति को नॉर्मल रखेंगे, होल्ड करेंगे 10, 9, 8। लीन नहीं होंगे, ना पीछे लीन होंगे ना आगे की तरफ, कोशिश करें कि बैक आपकी स्ट्रेट रहे। 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आएंगे, अपने हाथों को कमर पे रखेंगे और डीप इनहेल एक्सहेल करते हुए थोड़ा शोल्डर मूवमेंट और अपना नीज का मूवमेंट कर लेंगे, वॉकिंग भी कर सकते हैं। डीप इनहेल करिए स्लो, एक्सहेल। अपनी बॉडी के कण कण तक ऑक्सीजन को, फ्रेश ऑक्सीजन को पहुंचाइए और एक्टिवेट करिए। फर्स्ट आसन की तरफ जाएंगे हम, ताड़ासन। उसके लिए दोनों बॉडी को अपने अलाइनमेंट में बगल में रख लेंगे और हाथों को सांस भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। सांसों की गति को नॉर्मल रखेंगे, दोनों हाथों को नमस्कार पोजीशन में रखेंगे और देन फिंगर इंटरलॉक करेंगे और आपकी पाम ऊपर की तरफ फेस करेगी और इनहेल करते हुए अपने टो पे आ जाइए। इनहेल, ऊपर जा कर के 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और सांसों की गति को नॉर्मल रखेंगे, सांस नहीं रोकेंगे कोई भी। यह आसन हाइट बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट आसन है, जो यंग है वो कोशिश करें कि डेली अपने अभ्यास में लाएं, और पूरी बॉडी को एक्टिवेट कर देता है, जैसे कि नेचुरल हैबिट है हमारी सो करके उठ के ऐसे करने की। 5, 4, 3, 2, 1। सबसे पहले अपने हील को नीचे लाएंगे, देन हाथ को वापस जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे, कमर पे हाथ रखेंगे और डीप इनहेल करेंगे, एक्सहेल। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बच्चे जितने भी देर यहाँ पे खड़े रहें, कोशिश करें कि अपना शोल्डर मूवमेंट को पीछे रखने की, आपके स्लॉच ऐसे हो जाता है मूवमेंट, वो अच्छा नहीं लगता देखने में, पीछे कोशिश करें रखने की। नेक्स्ट आसन करेंगे वृक्षासन। उसके लिए सबसे पहले अपने राइट पैर को लेफ्ट थाई पे या नी के पास रख लेंगे और दोनों हाथों को अपनी बॉडी के अलाइनमेंट में रखेंगे साइड में और धीरे अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएंगे और कोशिश करें कि आपकी एल्बो कान से टच रहे और दोनों हाथ जॉइन रहें और सांसों की गति नॉर्मल। पैर को सीधा रखिए, इधर आगे की तरफ नहीं रखिए, कोशिश करिए कि सीधा रहे। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। बैलेंस के लिए सबसे बेस्ट आसन, बैलेंस इम्प्रूव करता है, माइंड में स्थिरता लाता है। 5, 4, 3, 2, 1। वापस आएंगे, सबसे पहले अपने हाथों को खोलेंगे, देन अपने लेग को नीचे रखेंगे, हाथों को अपने कमर पर रखेंगे और डीप इनहेल करेंगे, एक्सहेल। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इसी आसन के अभ्यास को नेक्स्ट पैर से करेंगे। सबसे पहले अपने लेफ्ट लेग को राइट नी के पास या जितना ऊपर हो सके, जो बच्चे रख सकते हैं वो रखेंगे और अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएंगे और नमस्कार मुद्रा में रखेंगे हाथों को अपने, और सांसों की गति को नॉर्मल रखेंगे और अपने एल्बो को कोशिश करें कान से टच रखें और ऊपर की तरफ खिंचाव महसूस करें अपनी मांसपेशियों का। होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। वापस आएंगे, सबसे पहले हाथों को लाएंगे अपने, देन पैर को नीचे रखेंगे और डीप इनहेल करेंगे। थोड़ा अपना शोल्डर मूवमेंट कर लीजिए, इनहेल, एक्सहेल। नेक्स्ट आसन करेंगे पादहस्तासन। उसके लिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों को अपने शोल्डर के विड्थ के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे और हाथों को ऊपर ले जाएंगे धीरे धीरे स्लोली इनहेल करते हुए, और पाम फेसिंग, आपका पाम का फेस सामने की तरफ होगा और डीप इनहेल करिए और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ जाइए। कोशिश करेंगे कि आपका टो टच हो जाए और जिनसे पाम टच हो जाता है ग्राउंड पे, वो पाम कोशिश करें कि ग्राउंड पे टच करें,
ये आसन बैक और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सबसे बेस्ट आसन और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आपके लेग में, जैसा कि आप खिंचाव महसूस कर रहे होंगे। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1, जैसे कहते हैं वैसे ही वापस आएंगे स्लोली। सांसों की गति को नॉर्मल रखेंगे, हाथों को स्लोली नीचे लाएंगे, कमर पे हाथ रखेंगे और डीप इनहेल, इनहेल, एक्सहेल। नेक्स्ट आसन जाएंगे अर्धचक्र आसन के लिए। सबसे दोनों हाथों को अपनी बॉडी के अलाइनमेंट में रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएंगे और पाम फेसिंग फ्रंट और धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएंगे। जो हर्निया के पेशेंट है वो इस आसन को पीछे नहीं जाएंगे, वो नहीं करेंगे इसको। धीरे धीरे अपने बैक में अपनी बैक को पीछे की तरफ, आगे की तरफ फोर्स करेंगे और पीछे की तरफ नेक ले जाएंगे और होल्ड करेंगे। जिसे चक्कर आ रहा है वो वापस आ सकते हैं। जिन्हें लोअर बैक पेन की समस्या रहती है उनके लिए सबसे बेस्ट आसन 5 4 3 2 1, वापस आएंगे। सांसों की गति को नॉर्मल रखेंगे, हाथों को शोल्डर लेवल पे लाएंगे, देन डाउन, वेस्ट पे हाथ रखेंगे, डीप इनहेल करेंगे, एक्सहेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। किसी तरीके का स्ट्रेस फील नहीं करिए, एंजॉय करिए आसन को। अब नेक्स्ट आसन के लिए जाएंगे, त्रिकोण आसन के लिए। राइट साइड फेस कर लीजिए अपना सभी और अपने दोनों पैरों को शोल्डर से ज़्यादा थोड़ा विड्थ रख लीजिए अपने कंफर्ट के अनुसार और दोनों हाथों को अपनी साइड बॉडी अलाइन में साइड में रखेंगे और धीरे धीरे नीचे की तरफ राइट साइड जाएंगे। पहले इनहेल करते हुए सांसों की गति नॉर्मल रखेंगे, रोकेंगे नहीं सांस को और अपने पाम को ओपन रखेंगे फ्रंट और ऊपर की तरफ देखेंगे और अपनी मिडिल फिंगर को के पॉइंट को देखेंगे। होल्ड रखेंगे 10 सेकेंड, 8 7 6 5 4 3 2 1, वापस आएंगे धीरे धीरे, कमर पे हाथ रखेंगे और डीप इनहेल करेंगे, एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल। लेफ्ट साइड करेंगे इसी आसन के प्रयास को, दोनों हाथों को अपनी बॉडी के अलाइनमेंट में रखेंगे साइड में और धीरे धीरे लेफ्ट टो की तरफ डाउन होएंगे और आपका राइट हैंड अप होगा और पाम आपका सामने की तरफ होगा और अपने मिडिल फिंगर को पॉइंट को देखेंगे और आपकी चिन कोशिश करें कि शोल्डर से अलाइंड रहे। ये आपकी ऑब्लिक मसल्स, जो आउटर एब्डोमिनस की मसल्स है उसको एक्टिवेट करता है, उसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये आसन। 5 4 3 2 1, वापस आएंगे धीरे धीरे, वापस आ जाएं, डीप इनहेल करेंगे, एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल। धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे घुटनों के बल वज्रासन में, दोनों पैरों को रिलैक्स रखेंगे और सबसे पहले अपने लेफ्ट लेग को आगे लाएंगे, देन राइट, हाथों को अपने बैक से थोड़ा पीछे रखिए और गर्दन को पीछे रिलैक्स छोड़ दीजिए और डीप इनहेल करिए और एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। गर्दन को पीछे रखिए, गर्दन को पीछे रिलैक्स छोड़ दीजिए। अब सिटिंग पोजीशन का फर्स्ट आसन करेंगे, दंडासन। उसके लिए दोनों पैरों को जॉइंट कर लीजिए और अपने टो को अपनी तरफ खींच के रखिए, पॉइंटेड अपनी तरफ, और अपने हाथों दोनों पाम को अपने
बैक के पास, हिप्स के पास बगल में रखिए साइड में, और अपनी हील से और नी से और दोनों पाम से और हिप से डाउनवर्ड्स फोर्स लगाइए ग्राउंड की तरफ, और बैक को सीधी रखिए और नेक को भी सीधी रखिए और सामने देखिए, सांसों की गति को नॉर्मल रखिए। टो को खींच के रखिए, लूज नहीं छोड़ना है किसी भी बॉडी पार्ट को, बैक लीन नहीं होना है ज़्यादा, बैक को स्ट्रेट रखना है। 5 4 3 2 1 वापिस रिलीज़ करेंगे, दोनों पैरों को खोलेंगे और नेक को पीछे रखिए, डीप इनहेल एक्सहेल करिए, ऑक्सीजन पहुंचाइए जिन मांसपेशियों में संकुचन हुआ है उसको ऑक्सीजन पहुंचाइए। आंखें बंद नहीं करिए, नेक्स्ट आसन करेंगे सिटिंग पोजीशन का, भद्रासन बटरफ्लाई पोज। सबसे पहले अपने राइट लेग को अपनी बॉडी के क्लोज लाइए, देन लेफ्ट, और दोनों को ज्वाइन कर लीजिए जैसे नमस्कार पोजीशन में हाथ को ज्वाइन करते हैं वैसे पैर को, और फिंगर इंटरलॉक करके दोनों अपने टो को पकड़ लीजिए, और कोशिश करिए कि जितना पास हील ला सकते हैं अपनी लाइए बैक के, और नी मूवमेंट करिए, बैक सीधी रखिए, स्ट्रेट रखिए बच्चे, और शोल्डर भी बैकवर्ड कोशिश करिए बैक रहेगा, आगे की तरफ ऐसे शोल्डर नहीं रहेगा, पीछे बच्चे ध्यान दें खासकर। सांसों की गति नॉर्मल रखिए, बैक सीधी रखिए, झुकिए नहीं आगे की तरफ, अपना कंधा पीछे ले जाइए, थोड़ा गति को बढ़ाइए अपनी नी की मूवमेंट फास्ट करिए, यह आपकी हिप जॉइंट की मोबिलिटी और नी की मोबिलिटी के लिए लाभदायक। वापस आएंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट लेग को ले गए थे तो लेफ्ट लेग को आगे करेंगे, देन राइट, देन पीछे रिलैक्स करेंगे, अपने लेग का मूवमेंट करिए और सांसों की गति को सामान्य रखिए, और डीप इनहेल एक्सहेल भी कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा बेनिफिट सांसों का ऑक्सीजन बिल्कुल बॉडी के हर एक कण तक पहुंचाने के लिए डीप इनहेल एक्सहेल, इसका अभ्यास हमें हर समय करते रहना चाहिए। नेक्स्ट आसन वज्रासन के लिए जाएंगे, सबसे पहले अपने लेफ्ट लेग को अपने हिप के नीचे लाइए, देन राइट, और दोनों घुटनों को मिला लीजिए, और आपका जो टो है वो मिला हुआ रहेगा और हील आउटसाइड रहेगी पीछे जो पैर की पोजीशन है, और आप अपने दोनों हाथों को नी के पास रखिए और शोल्डर बैक और बैक अपनी स्ट्रेट रखिए, जिन्हें नी में प्रॉब्लम है वो दंड आसन में बैठ जाइए, सांसों की गति को नॉर्मल रखिए, शोल्डर बैक रखिए, बैक स्ट्रेट रखिए, फेस पे किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं फील करिए, हल्की सी मुस्कुराहट, ज़्यादा नहीं मुस्कुराना है। डोंट टॉक, वापस आएंगे, दोनों आप नी को अपने कंफर्ट के अनुसार गैप ले लीजिए और डीप इनहेल एक्सहेल का अभ्यास करिए, यह आपकी बॉडी को मोर कॉन्शियस फील कराता है, डीप इनहेल एक्सहेल आप प्रेजेंट में फील करेंगे, डीप इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। बच्चे स्लाउज नहीं करिए आगे की तरफ, बच्चे जितने भी हैं ध्यान रखिए आपकी बैक सीधी रहे, जितनी भी देर यहाँ पे रहें कोशिश करिए आपकी बॉडी सीधी रहे। नेक्स्ट आसन करेंगे अर्धउष्ट्रासन, उसके लिए सबसे पहले अपनी नी को अपने शोल्डर विड्थ के अकॉर्डिंग खोल लीजिए और आपके टो आपकी नी को फॉलो करेगा
और ग्राउंड से टच रहेगा। अपने टो पे मत रहिए, कोशिश करिए कि फ्लैट रहे। और सबसे पहले अपने राइट हैंड को ले जाएंगे अपने राइट हिप के पास या हल्का सा उससे ऊपर सपोर्ट देंगे। जो हर्निया के पेशेंट हैं वो इस आसन का अभ्यास ना करें, और जिन्हें लोअर बैक की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। देन लेफ्ट हैंड को ले जाएंगे और अपने हैंड से आगे की तरफ अपने बैक को पुश करिए और नेक को पीछे ले जाइए और ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे। सांसों की गति को नॉर्मल रखेंगे। सांस को हम रोक लेते हैं जब भी हमें चक्कर का अनुभव फील होता है। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। वापस आएंगे, सबसे पहले अपनी नेक को ले गए थे लास्ट में, तो नेक को वापस लाएंगे। देन लेफ्ट हैंड, देन राइट, बैठ जाएंगे और डीप इनहेल एक्सहेल का एक बार अभ्यास करेंगे। स्लो, जितना श्वासों को स्लो जितना देर तक भर सकते हैं उतना प्रयास करिए। आपको अगर अनकंफर्ट फील हो रहा है तो आप दंड आसन में बैठ सकते हैं सर। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। नेक्स्ट आसन करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। अगेन वापस दोनों नी पे आ जाएंगे। देन सबसे पहले अपने राइट हैंड को अपने राइट हील को पकड़ेंगे राइट हैंड से। देन लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हील पे ले जाएंगे और अपनी बॉडी को पुश करिए आगे की तरफ, आगे की तरफ बिल्कुल पुश करिए। और शोल्डर आपका पीछे ग्राउंड की तरफ खिंचा हुआ रहेगा और नेक आपकी पीछे की तरफ। जो भी कोशिश करिए ऊपर देखें और सांसों की गति को नॉर्मल रखिए। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में, ये आपके शोल्डर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और जिनका भी फ्रोजन शोल्डर है वो इस आसन के अभ्यास को डेली लाइफ में ला सकते हैं। 5 4 3 2 1। वापस आएंगे, जैसे अपने हमने लास्ट में अपने बैक को आगे की तरफ पुश किया था वापस लाएंगे। देन लेफ्ट हैंड, देन राइट, बैठ जाएंगे वज्रासन में। जैसा अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग डीप इनहेल का अभ्यास एक बार करिए, स्लो जितना डीप इनहेल कर सकते हैं और स्लो, कोई जल्दबाजी नहीं। एक्सहेल, बच्चे बैक अपना सीधे रखेंगे और कोशिश करेंगे कि शोल्डर आपका पीछे की तरफ, आप अपने शोल्डर को खींच के रखिए, आपका शोल्डर आगे आ जाता है बार बार। डीप इनहेल, एक्सहेल। नेक्स्ट आसन के लिए जाएंगे शशांक आसन। सबसे पहले अपने नी को अपार्ट करेंगे जितना आप कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। बच्चे कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिस स्थिति में तनाव फील हो वहाँ पे रुक जाए। जिन्हें लोअर बैक की समस्या वो इस आसन को नहीं करेंगे। अपने सबसे पहले दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, सांसों की गति नॉर्मल, और अपने हाथों को मैट पे फिंगर टिप से धीरे धीरे आगे की तरफ जाएंगे। पूरा अपनी हथेलियों को ग्राउंड से टच कर दीजिए और एल्बो को कोशिश करिए एल्बो भी आपका ग्राउंड से टच हो जाए। और आपकी हिप जो है आपके हील का साथ नहीं छोड़नी चाहिए, उससे टच होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, लोअर बैक की समस्या वाले इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। सांसों की गति को नॉर्मल रखिए। फाइव फोर थ्री टू वन। वापस आएंगे जैसे गए थे, धीरे धीरे अपने फिंगर टिप से अपनी बॉडी के क्लोज आएंगे। देन दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, वापस वज्रासन में बैठ जाएंगे और
जैसा कि अपने अभ्यास के अकॉर्डिंग एक बार डीप इन स्लो डीप इनहेल का अभ्यास करेंगे। स्लो जितना अपनी सांसों को भर सकते हैं, जितना देर तक भर सकते हैं भरिए, और सांसों को रोकने का अभ्यास नहीं करेंगे। जो भी हार्ट के पेशेंट हैं जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, जितना देर में डीप इनहेल करें उतना ही देर में एक्सहेल करने का प्रयास करिए। नेक्स्ट आसन करेंगे उत्तान मंडूक आसन। सबसे पहले अपने दोनों नी को अपार्ट कर लेंगे अपने कंफर्ट के अनुसार, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांसों की गति को नॉर्मल रखेंगे इस आसन में, और सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड को राइट स्कैपुला पे रखेंगे, देन राइट को लेफ्ट स्कैपुला पे। और जिन्हें भी बच्चे को स्लाउच करने की हैबिट है, जैसे कि डेली हैबिट से हो जाती है, और वो अपनी दोनों एल्बो को ज़्यादा से ज़्यादा पुश करने की कोशिश करिए। पुश अभी करेंगे बाहर की तरफ, पीछे की तरफ दोनों एल्बो को। होल्ड करेंगे 7 6 5 4 3 2 1। सबसे पहले अपने हमने जो स्ट्रेस फील करवाया था उसे एल्बो को साथ लाएंगे आगे, देन राइट हैंड अप, लेफ्ट वापस। वज्रासन में बैठ जाएंगे और डीप इनहेल का अभ्यास करेंगे। ब्रीद इन, किसी भी तरीके का तनाव फेस पर नहीं जाहिर होने दीजिए, हल्की सी मुस्कुराहट। डीप इनहेल, एक्सहेल। डीप इनहेल, एक्सहेल। नेक्स्ट आसन स्पाइन ट्विस्टिंग पोज में जाएंगे। सबसे पहले अपने लेफ्ट लेग को आगे की तरफ लाएंगे, देन राइट, और दोनों हाथों से थोड़ा पैर को, दोनों हाथों को पीछे रख के थोड़ा पैर को शेक कर लीजिए, और अपनी नेक को रिलीज करिए पीछे की तरफ, और सांसों की गति को सामान्य रखते हुए अपनी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाइए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। वक्रासन के लिए जाएंगे, स्पाइन ट्विस्टिंग पोज। सबसे पहले दोनों पैरों को मिला लेंगे और अपने हाथों को अपने बैक के पास रखेंगे, और राइट लेग को फोल्ड करेंगे, और अपने लेफ्ट का टोस अपनी बॉडी की तरफ खींच के रखिए, और क्रॉस में लेफ्ट लेग के लेफ्ट साइड अपने राइट हैंड को रखेंगे, राइट लेग को रखेंगे, देन लेफ्ट हैंड से अपने नी को पकड़ेंगे, और नी को अपनी तरफ अपनी बॉडी की तरफ खींचते हुए, और अपने हेड को राइट साइड अपने शोल्डर से मिलाते हुए अपनी स्पाइन को देखने की कोशिश करिए। आपका चिन, शोल्डर और हैंड, देन नी और टो एक दिशा में होगा एक लेग का। सांसों की गति को सामान्य रखिए, ये आपकी पैनक्रियास को एक्टिवेट करता है। जो शुगर के पेशेंट हैं वो इस आसन को डेली अभ्यास में ला सकते हैं। 5 4 3 2 1। सबसे पहले नेक को लाएंगे वापस, देन हैंड को अपने रिलीज करेंगे पीछे की तरफ, देन लेग को सीधा करेंगे, दोनों पैर को अपार्ट कर लेंगे, रिलैक्स करेंगे, नेक पीछे रिलीज कर दीजिए। डीप इनहेल, एक्सहेल। इसी आसन का अभ्यास नेक्स्ट साइड करेंगे। दोनों पैरों को मिला लेंगे और लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, नी के पास लाएंगे एंड अपने राइट के क्रॉस में रख लेंगे, और अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हिप के पास रखेंगे, और अपने राइट हैंड से अपने नी को अपनी तरफ खींच के रखेंगे अपने बॉडी की तरफ। कोशिश करिए कि चेस्ट आपका आपकी नी से टच हो जाए, और अपने नेक को लेफ्ट शोल्डर के अलाइनमेंट में रखिए चिन को, और कोशिश करिए कि पीछे आप अपनी स्पाइन को देखें। ये आपके
नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और आपकी स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। सबसे पहले नेक को वापस लाएंगे, देन हैंड को रिलीज करेंगे, हैंड से लेग को रिलीज करेंगे, देन लेग को स्ट्रेट कर देंगे। अपनी नेक को पीछे रिलीज कर दीजिए और जैसा कि अपने अभ्यास के अकॉर्डिंग डीप इनहेल और एक्सहेल का प्रयास करेंगे स्लो। वापस आ जाएंगे, अपनी राइट साइड करवट लेते हुए मकरासन में जाएंगे, राइट एल्बो का सहारा लीजिए, सभी का फेस इस तरफ रहेगा स्टेज की तरफ। अपने हील को इनसाइड बॉडी के रखिए, टो को आउटसाइड, टो बाहर की तरफ होगा, हील अंदर की तरफ होगा, और अपने लेफ्ट हैंड को नीचे, राइट हैंड को ऊपर रखिए। स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी रिलीज करने के लिए सबसे बेस्ट आसन, अपने आप को ग्राउंड से फील टच फील कराइए बॉडी को। आपका चिन टू हील ग्राउंड से टच होना चाहिए। 10 सेकेंड रिलैक्स करेंगे, जैसे कि श्वासों का अभ्यास इस आसन में भी रहेगा। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। फाइव फोर थ्री टू वन। अब प्रोनेशन पोजीशन के फर्स्ट आसन में जाएंगे, भुजंगासन। सबसे पहले अपने दोनों पैर को ज्वाइन करेंगे, आपका टो बाहर की तरफ होगा, हील इनसाइड, और दोनों हाथों को अपने बॉडी के क्लोज लाइए चेस्ट के, और इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ अपने नेवल पॉइंट तक, नाभि तक जाएंगे। इनहेल करते हुए आप अपने गर्दन को पीछे की तरफ रखिए, ऊपर देखिए, सांसों की गति को नॉर्मल रखिए, होल्ड नहीं करिए सांस को, और एल्बो भी स्ट्रेट नहीं करिए। एल्बो स्ट्रेट कर लेंगे तो एल्बो का सहारा होगा पूरा, हमें अपनी बैक का सहारा लेना है। जिन्हें लोअर बैक की समस्या है वो ज़्यादा स्ट्रेस ना दें अपनी लोअर बैक को। बच्चे एल्बो को अपने कोहनी को अपनी बॉडी से लगा के रखिए। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस जाएंगे मकरासन। आपकी एल्बो, चेस्ट और पूरी बॉडी हील से लेकर टो तक ग्राउंड से लगी हुई होगी, और आपका फोरहेड आपके राइट हैंड के ऊपर होगा, और रिलैक्स करेंगे 10 सेकेंड। डीप इनहेल एक्सहेल का अभ्यास जारी। फाइव फोर थ्री टू वन। नेक्स्ट आसन करेंगे शलभासन। उसके लिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों को ज्वाइन कर लीजिए और अपने राइट हैंड को सपोर्ट के लिए अपने राइट थाई के नीचे रख लीजिए, देन लेफ्ट को अपनी लेफ्ट थाई के नीचे रखिए, और चिन आपकी ग्राउंड से लगी रहेगी, और दोनों टोस को बाहर की तरफ पॉइंटेड रखिए, और जितना उठा सकते हैं अपने नी को फोल्ड नहीं होने दीजिए, नी स्ट्रेट रहेगा बच्चे, नी स्ट्रेट रहेगा,
और एक पोजीशन में आकर के अपनी बॉडी को स्थिर रखिए, अप एंड डाउन नहीं करिए, मूवमेंट नहीं, स्थिर होल्ड रखिए 15 सेकेंड। चिन आपका ग्राउंड से लगा रहेगा, टुड्डी को ग्राउंड से लगाओ बच्चे। सांसों की गति सामान्य, 6 5 4, फेस पे स्ट्रेस नहीं फील करिए, 3 2 1, धीरे धीरे वापस लाएंगे, एकदम से ज़मीन में नहीं पटकेंगे पैर। अपने लेफ्ट हैंड को पहले लाइए, देन राइट को उसके ऊपर रखिए और दोनों पैरों को खोल करके अपने बेस्ट आसन में चले जाइए। रिलैक्स करेंगे 10 सेकेंड। सांसों पे फोकस है कि जितना भी स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी जो लाइफ हमें देती है उसे दूर करिए। फाइव फोर थ्री टू वन, अब शवासन में जाएंगे, अपने राइट एल्बो का सहारा लेकर अपने सपाइनेशन पोजीशन में आ जाएंगे, लेट जाएंगे। इसमें भी सेम, हील इनसाइड टो आउटसाइड, अपने पाम को ऊपर की तरफ आसमान की तरफ फेस करिए और जो ठंडक है प्रकृति की उसको अपनी पाम के और तलवे के ज़रिए अपनी बॉडी में समा लेने दीजिए। सांसों का अभ्यास जारी रहेगा, कोई जल्दीबाजी नहीं सांसों को इनहेल और एक्सहेल करने में, बिल्कुल स्लो एंड स्टेडी प्रैक्टिस, ये आपको मोर कॉन्शियस बनाएगी। बात नहीं करेंगे बच्चे, अब अपने सपाइनेशन पोजीशन के फर्स्ट आसन में सेतुबंध सर्वांग आसन में जाएंगे। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे और अपने हाथों को अपनी बॉडी के साइड में अलाइन करेंगे, देन पहले राइट लेग फोल्ड करेंगे नी से, देन लेफ्ट, और अपनी बैक को ऊपर की तरफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे और लोअर बैक में स्ट्रेस फील करेंगे, ये आपकी एब्डोमिनस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और जिन्हें भी एक्स्ट्रा फैट है एब्डोमेन पे उसको बर्न करने में हेल्प करता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। होल्ड रखेंगे इसी में 10 सेकेंड, बैलेंस बना के रखिए, कोशिश करिए कि आप अपनी बॉडी के प्रति मोर कॉन्शियस फील करें, आपके कंट्रोल में रहे आपकी बॉडी। 9 7 6 5, सांसों की गति सामान्य रहेगी, होल्ड नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी सांसों को, 3 2 1, वापस आएंगे, स्लोली अपनी बैक को ग्राउंड से लगाएंगे, देन लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करेंगे, देन राइट, और शवासन में चले जाएंगे, पाम फेसिंग अपवर्ड्स टुवर्ड्स द स्काई, टो आउटसाइड, हील इनसाइड, नेक एक साइड टिल्ट कर लीजिए लेफ्ट और राइट, बिल्कुल रिलैक्स, बॉडी को एकदम
ग्राउंड पर छोड़ दीजिए, कि आपकी है ही नहीं ये बॉडी। श्वासों का अभ्यास करते रहेंगे स्लो एंड स्टेडी। डीप इनहेल एक्सहेल, डीप इनहेल एक्सहेल। नेक्स्ट आसन करेंगे इस सपाइनेशन पोजीशन का, दोनों पैरों को मिला लेंगे और अपने दोनों हाथों को अपनी बॉडी से लाइन रखेंगे, पाम ग्राउंड की तरफ फेस करेगा और जो सपोर्ट लेना चाहे वो अपने हिप के नीचे भी रख सकते हैं और आपका टो पॉइंटेड होगा आउटसाइड बाहर की तरफ और 20 से 30 डिग्री अपने टो को रेज करिए, अपने नी को स्ट्रेट रखिएगा, कोई भी अपने सर को नहीं उठाएंगे, सर ग्राउंड से लगा रहेगा और कंपन को फील करिए अपने एब्डोमिनल्स पे, एब्डोमिनल फैट लूज करने के लिए सबसे बेस्ट आसन और आपके इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सांसों की गति को नॉर्मल रखिएगा और कंपन हो रही है तो होने दीजिए, होल्ड करिएगा 15 सेकेंड इस आसन को। टो पॉइंटेड, अपनी बॉडी को अपने कंट्रोल में रखिए। 5 4 3 2 1 धीरे धीरे नीचे को लाइए ये पैर और ग्राउंड से लगा दीजिए, हाथों को थोड़ा सा बॉडी से दूर, पाम फेसिंग अपवर्ड, टो आउटसाइड, हील इनसाइड, नेक वन साइड टिल्ट, सांसों का अभ्यास जारी। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, फाइव फोर थ्री टू वन। नेक्स्ट आसन में जाएंगे इस अर्धलासन, सेम दोनों पैरों को मिला लीजिए और टो को आउटसाइड पॉइंटेड रखेंगे बाहर की तरफ और अपने दोनों हाथों को जैसा कि आप अपनी बॉडी से लाइन भी रख सकते हैं और जिन्हें सपोर्ट लेना है अपनी बैक का वो अपने हिप के नीचे रख लीजिए और धीरे धीरे अपने पैरों को उठाइए। 30 60 90, अपने टो को स्काई की तरफ पॉइंटेड रखिए और अपनी नी को स्ट्रेट रखिए, नी बेंड नहीं होगी बिल्कुल भी, ये आपकी एब्डोमेन की लोअर मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, आपकी बैक को फ्लेक्सिबल बनाएगा, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन्हें स्टिमुलेट्स करेगा, उनके फंक्शंस को इम्प्रूव करेगा। होल्ड रखिए, फेस काम रखिए, फेस पे किसी भी तरीके का आसन का स्ट्रेस नहीं फील होना चाहिए, जैसा कि आप फील कर रहे होंगे आपकी थाई में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा ये आसन। 5 4 3 बातें नहीं करेंगे, 2 1 धीरे धीरे नीचे लाएंगे, नीचे लाते हुए भी नी को फोल्ड नहीं करना है। हील इनसाइड टू आउटसाइड, पाम फेसिंग अपवर्ड और शवासन में चले जाइए। श्वासों का अभ्यास जारी। इस प्रकार श्वास लीजिए कि आपको पता भी ना चले, बिल्कुल भी आवाज नहीं श्वासों की। डीप इनहेल एंड एक्सहेल विदाउट एनी नॉइस, आपको भी फील नहीं होना चाहिए कि आप श्वास ले रहे हैं।
डीप इनहेल एक्सहेल। नेक्स्ट आसन विंड रिलीज पोज, पवन मुक्त आसन करेंगे। उसके लिए दोनों हाथों को अपनी बॉडी के लाइन में साइड में रखिए और दोनों पैरों को मिला लीजिए। पहले राइट लेग को फोल्ड करिए, देन लेफ्ट, और अपने नी को अपने चेस्ट की तरफ लाइए और आपका टो पॉइंटेड होगा आउटसाइड, बाहर की तरफ, कोई भी ऊपर की तरफ नहीं रखेगा। और दोनों हाथों से अपने नी के पास फिंगर इंटरलॉक करिए और अभी डीप इनहेल करिए और एक्सहेल करते हुए ऊपर अपने नी को और क्लोज लाइए और अपनी नोज को अपने नी से टच करिए। श्वासों की गति सामान्य, टो आउटसाइड, आपके हर एक जॉइंट से फोर्स ग्राउंड की तरफ, टो से, नी से, बैक से, फिंगर इंटरलॉक फिंगर से ग्राउंड की तरफ। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर करता है ये आसन, आपके लोअर बैक मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाता है और आपकी जो थाइज एंड बटक पे फैट एक्यूमुलेट्स हो जाता है उसको बर्न करने के लिए हेल्पफुल। 5, सांसों की गति सामान्य, 4, 3, 2, 1। सबसे पहले नेक को डाउन करेंगे, ग्राउंड से लगाएंगे, फिर दोनों हाथों को अपने बॉडी के अलाइनमेंट में रखेंगे, देन अपने लेग को ग्राउंड से टच करेंगे। पहले लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करेंगे, देन राइट, हील इनसाइड, टो आउटसाइड, पाम को ऊपर आसमान की तरफ, और 30 सेकेंड के लिए ठंडक फील करिए अपने पाम से और अपने पैर के आर्क से, तलवे से। डीप इनहेल एक्सहेल का अभ्यास जारी। मूवमेंट नहीं करेंगे बच्चे, टेन, नाइन, एट, सेवन, सिक्स, 4, 3, 2, 1। अपनी राइट करवट लीजिए और एल्बो का सहारा लेते हुए बैठ जाइए, धीरे धीरे, किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं। लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठ जाइए और अपनी मसल्स को एक्टिवेट करिए, फेस को काम रखिए, हल्की सी मुस्कान, बातें नहीं। थोड़ा थाइस को शेक कर लीजिए, एक्टिवेट कर लीजिए, ध्यान में पैर सो जाता है। अब ध्यान के लिए सुखासन में बैठेंगे, अपने लेफ्ट लेग को पहले फोल्ड करिए, देन राइट, बैक स्ट्रेट रखिए, नेक स्ट्रेट, और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, अपने पॉइंट फिंगर और थम्स को ज्वाइन करके, और आपकी पाम
स्काई की तरफ फेस करेगी और सबसे पहली क्रिया कपालभाति करेंगे। डीप इनहेल करिए, फोर्सफुली एक्सहेल करना है। 50 स्ट्रोक का अभ्यास करेंगे। फोर्सफुली एक्सहेल करिए, स्लाउच नहीं करिए आगे की तरफ, सीधे बैठिए, पीछे अपने शोल्डर को बैक करिए और अपनी बैक को स्ट्रेट रखिए। फोर्सफुली आपके एब्डोमिनस का मूवमेंट इनसाइड की तरफ होना चाहिए, फोर्सफुली। नो शोल्डर मूवमेंट। गति को दो गुना करेंगे, तीन गुना फास्ट। श्वास की कमी फील होगी बट कमी है नहीं, श्वास बहुत है अंदर। फोर्सफुली एक्सहेल करिए, डीप इनहेल करिए, जितनी कमी हुई थी पूर्ण कर लीजिए। एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल, डीप इनहेल अगेन, एक्सहेल। नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम। दोनों हाथों को, राइट हैंड को सामने लाइए और शुरू की दो फिंगर को क्लोज करिए और राइट थंब से, राइट नोस्टिल्स और आपकी जो दो फिंगर है वो आप अपने फोरहेड के बीच में रखिए और लेफ्ट नोस्टिल्स से स्लो, और आपको पता भी नहीं चलना चाहिए कि सांस जा रही है अंदर, स्लोली। देन लेफ्ट नोस्टिल्स को बंद करेंगे, होल्ड नहीं करेंगे सांसों को, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर और कार्डियक प्रॉब्लम है। लेफ्ट नोस्टिल्स को बंद करेंगे तो राइट थंब आपका फोरहेड के बीच में और राइट नोस्टिल से रिलीज कर देंगे। देन अगेन स्लोली राइट नोस्टिल से सांसों को भरेंगे। इसका अभ्यास 5 times कर लीजिए स्लो। पूरा ध्यान श्वासों पर। वापस आ जाएंगे ज्ञान मुद्रा में। डीप इनहेल एक्सहेल 2 times करेंगे। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नेक्स्ट शीतली प्राणायाम करेंगे बॉडी को गर्मी के मौसम में ठंडक प्रदान करने के लिए। सबसे पहले स्ट्रेट बैक सीधी, कोई भी स्लाउच नहीं करें आगे की तरफ और अपनी ज़बान को बाहर निकालें और फोल्ड कर लें, फोल्ड करें साइड से और सांसों को ज़बान के ज़रिए अंदर पहुंचाएं, बंद कर लें। जो बीपी और हार्ट के पेशेंट हैं वो होल्ड नहीं करेंगे और बाकी सभी होल्ड करके रखें। देन नोज से रिलीज, अगेन होल्ड, नोस्टिल से रिलीज, लास्ट टाइम करेंगे पूरी ठंडक बॉडी को, होल्ड, रिलीज। नेक्स्ट भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथों को सामने लाएंगे और आपकी जो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर है उससे आप, वो आपकी आँखों पे होगी और थंब से आप
कान को बंद करेंगे और वाइब्रेशन फील करेंगे ब्रेन में, फोकस करेंगे वाइब्रेशन पे, डीप इनहेल करके वाइब्रेशन उत्पन्न करेंगे. अगेन डीप इनहेल करेंगे, वाइब्रेशन फील करेंगे. लास्ट टाइम डीप इनहेल करेंगे, वाइब्रेशन फील करेंगे. वापस आ जाएंगे ज्ञान मुद्रा में. अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे, जल्दी नहीं. Now we will go ahead for meditation to Professor Brijbhushan Singh sir. Over to you sir. Thank you Swaraj. All of you be in comfortable pose. कुर्सियाँ चाहिए वो कुर्सियाँ ले लें. कंसंट्रेशन, जैसे मैं बोलूं आप अपनी तवज्जो को, आप अपने ध्यान को, आप अपने कंसंट्रेशन को वहाँ ले जाएं. बहुत टाइम हो गया तो डेफिनेटली आपका ध्यान लगेगा. और फिर मैं जैसा मैं रोज़ कहता हूँ, टेक इट एज ए चैलेंज. आप ये योगा कर रहे हैं बहुत अच्छा. देखिए अभी भी मतलब स्टार्टिंग में जैसा मैंने बताया है, स्थिर सुखासन, फरहान साहब भी बार बार कह रहे थे कि चेहरे पे मुस्कान रहनी चाहिए, कप कपाट नहीं होनी चाहिए किसी भी हाथ, और सांसों का आवागमन नेचुरल होना चाहिए, ना नॉर्मल होना चाहिए. तो देखिए ये डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कि ये 15 दिन 15 दिन 15 दिन 3 वर्कशॉप हैं इसमें, ठीक है. तो कोशिश करें पहले ही वर्कशॉप में आप ये तीनों स्टेजेस हासिल कर लें. तीनों स्टेजेस क्या हैं? स्थिर सुख आसन, स्टिलनेस, सांसों का आवागमन नॉर्मल, और आसन में कोई भी आपको कष्ट का अनुभव ना हो. तो जैसा फरहान साहब कह रहे हैं, आप मुस्कुराते रहें. आपको कष्ट होगा तो आप मुस्कुराएंगे नहीं, लेकिन कष्ट रहित जब आप हो जाएंगे तो आप मुस्कुराने लगेंगे. वो कब होगा? जब आपका आसन और ये क्रियाएँ आप परफेक्ट कर लेंगे. तो कोशिश करें इन्हें परफेक्ट करें, और ध्यान को भी, ये बच्चे हैं पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है. कोशिश करें अगर ख्यालों पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसके तसव्वुर में भी नहीं रह पा रहे हैं, तो कम से कम आंख बंद करके बिना हिले डुले बैठे तो रहें. चलिए तो शुरू करें. बी इन वेरी कंफर्टेबल पोज, स्पाइन इरेक्ट, और नॉट पॉसिबल देन ऑल्सो थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. Just close your eyes. अपनी सांसों पे कंसेंट्रेट करें. Feel that positive energy of earth is moving to your toes. From toes it is moving to your ankles, to your calf muscles, relaxing them, to your knees, making them relax. सारी जकड़न नकड़न वहां से दूर कर रही है. Positive energy is moving to your thighs. तो आपको थकान हुई थी वो खत्म हो रही है वहाँ से. फील इट, फील योर थाइज गेटिंग रिलैक्स्ड.
फील दिस पॉजिटिव एनर्जी मूविंग टू योर हेड. To your lower back, in your lower back getting relaxed. Then this positive energy moving through your spine to your upper back, making it relaxed completely. The exhaustive yogic workout taken by you, the exhaustion going, your upper back is getting relaxed. This positive energy moving through your spine to your back of neck. Feel it getting relaxed. To the back of your head. Energy moving to the top of your head. Top of your head is getting relaxed. Now this energy is moving to the front of your head, forehead. Removing all tension, akalan. Feel relaxation in your forehead. Now energy moving to your eyes. Feel them getting relaxed. To your cheeks. To your nose. To your lips. Your chin, to the front of your neck. Feel the front of your neck getting relaxed. Feel it. This positive energy moving through your chest muscles, making them relaxed. To your abdomen. Cleaning your abdomen with all abnormalities, pains, tensions, all visceral organs are getting relaxed through the positive energy of earth. Feel it. Feel that now, through the yogic workout today pursued by you, your visceral organs will function at their optimum. Feel it. Take your attention to your heart. And be in the thought of divine light, be in the thought of divinity over there.
Thank you.
with that shawl, come out slowly. संडे में करना सेम टाइम सेम एट ए टाइम चलेगी सबके लिए छुट्टी को नॉर्मल याद कर बैठेंगे और टीचर सभी अपने बच्चों को टाइम पे लेंगे ठीक डायमंड देखिए आपका जो दिल है मैं हार्ट पीस के कंसंट्रेशन करने के लिए कहता हूँ कि राइट फ्रॉम एजेस दिमाग को हम कहते हैं लेकिन हमेशा दिल को ही तवज्जो देते हैं कि उसके पास दिल नहीं है उसका दिल बहुत बड़ा है उसका दिल बहुत गहरा है तो दिल को भी सोचने के प्रोसेस से उसको कहा जाता है। अब देखिए इसी उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत एक आध वर्ड का इधर हेर फेर हो। एक किसी शायर ने कहा है लाजिम है दिल के पास रहे पास बाने अक्ल लाजिम है दिल के पास रहे पास बाने अक्ल लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे वो तन्हा उसके तसव्वुर में कभी कभी छोड़ दें जो आप अकल से सोचते रहते हो हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा जो आपके ख्याल आते रहते हैं कभी कभी इस दिल को बिना ख्यालों के भी रखो उसके ख्याल में दिस इज मेडिटेशन। अब वो प्लेच करा दो उसके बाद में योगी प्लेच सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और आपका पाम ग्राउंड की तरफ प्लेज मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति कुटुंब के प्रति कार्य समाज और विश्व के प्रति आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। कल संडे है छुट्टी नहीं है तो जितने भी टीचर्स हैं सभी अपने स्टूडेंट्स को लेकर आएंगे और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा। सॉरी मुशर्रफ साहब एक मिनट और बस एक प्रेयर है ये योगिक प्रेयर एट द एंड मे ऑल बिकम हैप्पी मे ऑल बी फ्री फ्रॉम इलनेस मे ऑल सी व्हाट इज ऑस्पिशियस मे नो वन सफर पीस 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 बी एवरीवेयर। Thank you so much for your presence.